शिवा आवाज जा रही है? आवाज तो पहुंच ही जाएगी, इतनी बुलंद आवाज है। आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा जब मैं, शायद 7 बज गए, इसको चालू करें। पहले मैंने सोचा था आईपैड से करेंगे बेटर होगा, लेकिन उसमें कुछ समस्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत राय आपका स्वागत करता हूँ इस आर्ट ऑन क्लिक के फेसबुक लाइव में। सबसे पहले थोड़ी व्हाइट वाइन पी लेते हैं। यदि मैं सीधी में होता तो महुआ वाली वो पीता, जिसको बहुत सारे हमारे देश के आदिवासी और उस समाज के लोग पीते हैं। अब ये इतनी व्हाइट वाइन है जो पानी का भी भ्रम देती है। पिछली बार तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया और दिल्ली सरकार ने चूँकि 70% कोरोना सेस लगा दिया, और हमें एक अर्थव्यवस्था में योगदान भी करना है, तो हमारी इस योगदान से दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को दिखा देगी। सबसे पहले तो सीधी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और आर्ट इज मेडिसिन जो इनका नारा है और ये लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में। और उसके लिए मैं सबसे पहले अपने मित्र गुरु बड़े भाई गिरजा शंकर जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गिरजा शंकर जी कारण से मेरा जुड़ाव। और नीरज कुंदेर ने तो अपने नाम के आगे सीधी ही लगा दिया था, अभी लगा दिया है। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आप देखिए कि कला क्या करती है और कला कैसे करती है, और उसमें सिनेमा और रंगमंच के बारे में जो आज थोड़ी सी अलग तरह की बातें कहूँगा, क्योंकि जो बातें मैं पिछले 7-8 लाइव में बोल चुका हूँ उससे थोड़ा सा अलग, लेकिन एक चीज़ रिपीट करनी है कि आप देखिए, मैं फिर वहीं से 2-3 चीज़ें रिपीट करूँगा कि इस समय देश के लगभग 2 करोड़ कलाकार, संस्कृति कर्मी, रंग कर्मी, शिल्पकार और इस तरह से जुड़े लोग जो इस समाज में मेडिसिन का काम करते हैं, जिनके होने से यह समाज स्वस्थ है थोड़ा सा, तो हैं और भयानक आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं। आप सोचेंगे आज की घटना है कि रिपर्ट्री ग्रांट, मुझे बताया गया है, कई रंग मंडलियों ने कहा है कि रिपर्ट्री ग्रांट पिछले 2 सालों से बंद है। रतन थीम शीर्ष रंग कर्मी हैं और इम्फाल मणिपुर में कोरस रिपर्ट्री चलाते हैं। रतन थीम लगभग दिवालीयेपन के कगार पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने दिल्ली में अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उनको जितना पैसा उनके पास था वो अपने रंगमंडल को चलाने में वो खर्च कर चुके हैं, और अब उनके पास पैसा नहीं बचा है कि वो आगे कैसे अपने रंगमंडल के कलाकारों को खिलाएं, कैसे उनको जीवित रखें, क्योंकि सरकार ने 2 साल से उसको बंद कर मैंने रोका हुआ है। सरकार ने क्या पता नहीं कहाँ रोका हुआ है वो, जैसे इस हिमालय से कोई गंगा पिघलनी चाहिए जैसी बात दुष्यंत कुमार लिखते थे, वो कहाँ जम गई हैं सारी चीज़ें। और उस बाद मैं फिर एक बार कहूँगा, तो उसके बाद आप देखिए, यदि रतन थीम जो कि जिनको कम पैसे नहीं मिले, इस देश में रंगकर्म ने उनको बहुत फीड किया, देश दुनिया में उनके शोज हुए और देश में भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहीं, लेकिन एक बड़ी रंग मंडली को चलाना कितना मुश्किल है। मैं फिर कहता हूँ इस बात को और पूरे साहस के साथ कहता हूँ कि यदि एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक जो कि व्यवस्था के आखिरी पायदान पर है,
वह यदि लापरवाही करता है तो प्रिंसिपल उसको मेमो देता है, उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है लापरवाही के लिए। आप सोचिए कि एक प्राइमरी स्कूल यदि तनख्वाह ही न बनाए और 3 महीने तनख्वाह न बने तो कानून है कि इस पर सजा हो जाती है। लेकिन क्या हमारा देश में कोई भी ये मांग कर रहा है कि हमारा जो संस्कृति मंत्री है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके मन में तनिक भी संवेदनशीलता नहीं है कि 2 करोड़ कलाकारों का जीवन कैसे चलेगा? आज तक मैंने माननीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल का कोई ट्वीट नहीं देखा, जबकि मुझे बताया गया कि प्रहलाद पटेल ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो सागर और दमोह और उस इलाके से MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको फिर चुनाव में जाना है और चुनाव लड़ना है, उनको राजनीति में रहना है। लेकिन ये कैसे, मैंने विश्वनाथ पटेल से और आलोक गोस्वामी और कई लोगों से संपर्क किया और ये बात करने की कोशिश की कि उनके यहाँ क्या ये मंत्रालय कुंभकर्ण की ऐसी कौन सी नींद में सोया हुआ है कि उसको, जैसे मैंने सुना था कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि कुंभकर्ण सो गया था और वो 6 महीना सोता था, 6 महीना जगता था, तो उसको कुंभकर्ण को जगाते थे। लेकिन अभी मनीष जोशी ने एक बड़ी पहल की कल, साज सुने सरकार, यानी कि साज हमारे सुने हो गए हैं, सरकार उसको सुने, और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर देश में एक आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन ये आवाजें कहाँ गुम हो जाती हैं, ये आवाजें हमारे संसद में क्यों नहीं पहुँचती हैं? क्या इस देश में किसी रंगकर्मी को, किसी राजनेता को, किसी भी समाज के बड़े आदमी को संस्कृति जरूरत बची है कि नहीं बची? अक्सर कहते थे मुझसे कि अजीत भाई क्या हम ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, या इस समाज को इसकी जरूरत भी है? यदि रतन थियम के पास ये क्राइसिस आ गई है, उसी तरह CCRT का हाल तो और बुरा है। CCRT ने अक्टूबर में सीनियर जूनियर फेलोशिप और स्कॉलरशिप्स के लिए आवेदन मंगाए, अक्टूबर 2018 में, 2 साल पहले की बात है। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी बनी, सब कुछ लंबा चलता रहा, फाइनली उसने जून में नोटिफाई किया कि इन सब लोगों को जून 2019 में कि ये फेलोशिप और ये सब मिलेगी। CCRT देती है, ग्रांट देती है सब लोगों को, और बहुत एक छोटी सी रकम देती है। लेकिन आप देखिए कि जनवरी में सबका पैसा मिलना था, पहली किस्त 6 महीने की, अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि उसका क्या हुआ। मैंने उसे मोहन, जिनको मैं जानता था संयोग से, क्योंकि अभिषेक कश्यप ने एक फिल्म फेस्टिवल किया था DPS बोकारो, बोकारो सिटी में DPS स्कूल है, जहां पर मैं गया था गेस्ट बनकर, वहीं जान पहचान में बाद में पता चला कि वो CCRT की चेयरपर्सन हो गई है। तो मैंने उनसे काफी विनती, मैंने कहा कि देखिए इस समय कोरोना संकट चल रहा है, देश के बहुत सारे कलाकार कर्मी संस्कृति कर्मी बेहाल हैं, यदि आप उनका पैसा समय से दे देंगी तो उनको थोड़ा सा उनको राहत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग पैसे नहीं देते, हम लोग तो सिर्फ डिसीजन लेते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री देती है। तो ये कल्चर मिनिस्ट्री किससे बनी है? बंसी कॉल कह रहे हैं कि कहीं भी कोई सुनवाई नहीं, और भी कई लोग, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा बार बार कि वामन केंद्रीय शेखर सेन, बंदी कॉल, इंडिया अपना, देवराज अंकुर, रामपाल राज, मोहम्मद महर्षि, जितने भी बड़े रंगकर्मी हमारे देश में हैं, यदि 100-150 रंगकर्मी भी एक ट्वीट करें, एक डेलीगेशन लेकर जाएं, इसको करना क्या है? जनता का पैसा है, जनता को देना है भाई, आपको अपनी जेब से तो देना नहीं है। आप ये मंत्रालय का बजट कहाँ से आता है? ये तो हमारी जेब से आता है ना, हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से आता है, जो कि टैक्स इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आप कुल, शेखर गुप्ता ने एक इस पर प्रोग्राम किया था कि जिस 80% लगभग आप जोड़ जाकर टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप किस चीज़ में कितना टैक्स दे रहे हैं। आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो देते हैं। आप जाते हैं पर 2 करोड़ रंगकर्मियों, संस्कृति कर्मियों और इनके लिए कहीं कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। रतन थियम ने ये जरूर कहा
कि वो बैंकरप्ट होने के कगार पर हैं और अब कैसे वो अपना काम चलाएं, और चूंकि वो प्रभावशाली रंगकर्मी हैं, सरकार उनकी सुनती है, जानती है, लेकिन उनको भी तो एक पहलकदमी करनी चाहिए, उनको भी तो वहाँ से आवाज होनी चाहिए। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये आवाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अलाइड उसके डिसिप्लिन्स हैं और ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से ही चलेगी। एक हमारे मित्र हैं, बहुत सुलझे हुए हैं और अच्छे विद्वान हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आरएसएस से आए हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया है राज्यसभा में, राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा ने मुझे मेरे संदेश का जवाब जरूर दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे डिटेल दीजिए, मैं इस समस्या से निपटाने की कुछ कोशिश करूँगा। संस्कार भारती के प्रमुख अमित चंद जी ने इसमें पहलकदमी करने का आश्वासन दिया है। जिस तरह से गिरजा शंकर जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर एक दिन में मध्य प्रदेश के सारे रंगकर्मियों, कलाकारों और जिनका जितना बकाया था 2019 और 2020 का सबके अकाउंट में जमा करवा दिया, वैसा काम कोई भी पहल करके दिल्ली में क्यों नहीं करवा पा रहा है? तो ये पहली मेरी इस मेरी एक गुजारिश है सारे लोगों से कि उनकी बात सुनी जाए। और सचमुच वो तो आखिरी पायदान पर के लोग हैं, अभी आने वाले 2-3 महीनों में मध्य वर्ग पर जो क्राइसिस आने वाली है वो बहुत भयानक है, और इस भयानक दौर में आपकी संवेदनशीलता कहाँ है? तो राजनीति को, हमारी राजनीति को, जिसको रामगोपाल बजाज कई बार कहते रहे हैं जी, संस्कृति पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन हमने तो सुना है कि आरएसएस और बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा में संस्कृति है, तो फिर वो क्यों नहीं वैसा हो पाता? और ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है मित्रों, आप देख लीजिए कि इस देश में जहां वामपंथ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मध्यम दलों की सरकार है, सबके वहां उसी तरह से अंधेर नगरी चौपट राज है। आप बिहार की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, आप कर्नाटक को छोड़िए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, हर जगह यही हालत है। तो एक तो ये बात मैं कहने वाला हूँ, दूसरी बात यह है कि आज पूरा का पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका, द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स जल रहा है, वहाँ दंगे हो रहे हैं, और दंगे देखिए, और दंगों का जो स्लोगन बना हुआ है वो है आई कांट ब्रीदिंग, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। एक अश्वेत आदमी को गोरे पुलिस वाले के कारण मरना पड़ा, उसने कहा जाता है कि उसने उसको गर्दन दबाकर, सिर दबाकर उसकी हत्या कर दी, उसके कारण पूरे, और पुलिस को देखिए कि पुलिस उन प्रदर्शनकारियों के साथ है, मैंने एक अमेरिका, एक मुद्दे पर जहां एक अश्वेत की हत्या हुई है और उस पर उसके पक्ष में जिस तरह से अमेरिका खड़ा हो गया है, क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारे इतने मजदूर भाई बहन जो अपने घर जाने के दौरान मरे हैं उनके लिए हमारे देश का मध्य वर्ग या कोई तबका खड़ा होगा और उनके लिए करेगा? मुझे तो दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सिनेमा क्या करता है, सिनेमा कैसे उसको एड्रेस करता है, इस बात को देखने की जरूरत है। उस पर मैं एक केवल दो प्रसंगों को जोड़ते हुए एक बात कहूंगा कि ग्रिफिथ की एक फिल्म आई थी बहुत पहले 1915 में, उस फिल्म का नाम था और उसमें ही गोरे अश्वेत और अश्वेत का संघर्ष था, और उसके बाद अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में दंगे भड़क गए, बहुत सारे राज्यों में तोड़फोड़ होने लगी, लूट मार मच गई, सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उस फिल्म को कई राज्यों में बैन कर दिया, चलिए बैन कर दिया, और उसी से सेंसर बोर्ड की अवधारणा सामने आई जिसको मैं कई बार बोल चुका हूँ, और वहाँ से बात आई कि सिनेमा और कला को पर थोड़ा बहुत सेंसर होना चाहिए कि समाज को वो क्या दे रहा है। अब उसके इतने साल बाद, यानी कि 105 साल बाद और 103 साल बाद, 2 साल पहले एक अमेरिकन अश्वेत फिल्मकार हैं जिनका जिनकी फिल्म आई थी कैन फिल्म फेस्टिवल में, उसको एक अवार्ड मिला था, महत्वपूर्ण अवार्ड मिला था, उस फिल्म का नाम था ब्लैक क्लांसमैन। ब्लैक क्लांसमैन के फिल्मकार हैं स्पाइक ली।
स्पाइक ली एक ब्लैक फिल्म मेकर हैं, अश्वेत फिल्मकार हैं अमेरिका के, और उनको इस साल कान फिल्म फेस्टिवल, जो कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह है, उसकी जूरी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। और अभी थेरी फ्रेमो ने जो कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम स्पाइक ली को अपने साथ लेंगे और वो आएंगे जूरी के प्रेसिडेंट रूप में, क्योंकि ब्लैक क्लांसमैन उस पर अवार्ड लेते हुए स्पाइक ली ने कान फिल्म फेस्टिवल के ग्रैंड थिएटर लूमियर में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका, आज से 2 साल पहले की बात है दोस्तों, मतलब ग्रिफिथ की फिल्म बर्थ ऑफ ए नेशन के 103 साल बाद ये फिल्म आती है। तो ये वो कह रहे थे कि अमेरिका बारूद के ढेर पर खड़ा है, अमेरिका में फिर से ब्लैक और व्हाइट के बीच का संघर्ष शुरू होने जा रहा है। और वो फिल्म बताती है, उस फिल्म में एक ब्लैक पुलिस ऑफिसर है और व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स हैं, और उसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि जो अति राष्ट्रवादी अतिवादी भूमिगत वहाँ कुछ नॉनसेंस वैल्यू वाले लोग हैं जो ब्लैक्स के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ब्लैक को के घरों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकते हैं, बम मारते हैं, हत्याएं करते हैं, उसमें कैसे वो पुलिस वाला अपनी जान खेल कर और कैसे कैसे उनके बीच मिलकर और उन सबको बचाता है, माने वो खुद तो सच्चा राष्ट्रवादी तो वही है ब्लैक, जो इन सबको बचाने की कोशिश करता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है, और उसके ठीक 2 साल बाद अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उसकी छवियां आप उस फिल्म में देख सकते हैं। तो ये वो कह रहे हैं स्पाइक ली आप ढूंढेंगे तो वो मिल जाएंगे, और वो बहुत, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बहुत शानदार रही थी वहाँ, और हम सब ने उनको देखा था। तो अब समाज लिए ये दवा का हमला कैसे करेगी और किस रूप में करेगी, आप देखिए कि अब थोड़ा सा रंगमंच की दुनिया में मैं ले चलूँ आपको, और रंगमंच के बारे में थोड़ा सा कि कहाँ से क्या मुद्दे उठते हैं और कैसे रंगमंच समाज को बदलने में या इंसान को बदलने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली बार नाटक देखा होगा, जैसे मैं बार बार एक बार उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा और उस नाटक से उनको प्रेरणा मिली अपने 2 जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने की, सत्य और अहिंसा। ठीक है, अब ये जो नाटकों का अपना जो तंत्र है जिसमें रामगोपाल बजाज कहते हैं कि नाटक कभी भी व्यवस्था के या ताकतवर के पक्ष नहीं होता है, वो हमेशा कमजोर के पक्ष में होता है, और जो भी व्यवस्था चल रही है, जैसे चाहे वो प्रेम की हो, स्त्री पुरुष संबंधों की हो, समाज की हो, राजनीति की हो, राज्य की हो, नाटक उसका प्रतिपक्ष है और वो बना रहेगा। इसीलिए सत्ताएं, दुनिया भर की सत्ताएं किसी से नहीं डरती, वो रंगकर्मियों से डरती हैं, वो रंगकर्मियों का इस्तेमाल भी करती हैं और रंगकर्मियों से डरती भी हैं। तो ये आप इसमें, मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण गिना सकता हूँ जिसमें बहुत सारे रंगकर्मियों की हत्याएं की गई हैं दुनिया भर में, बहुत सारे रंगकर्मियों को जेल में डाला गया है, बहुत सारे रंगकर्मियों को फांसी पर चढ़ाया गया है, और बहुत सारे रंगकर्मियों ने अपने रंगकर्म की कीमत चुकाई है। तो खैर थोड़ा सा हिला वीडियो, तो जैसे नीरज कुंदेर और उनका उपक्रम है, मैं फिर उसमें, अब लोग कहते हैं कि बार बार मैं उन्हीं लोगों के नाम क्यों लेता हूँ, मैंने बहुत पहले एक बार, आप संजय उपाध्याय पटना में है निर्माण कला मंच में, उनके एक रंगकर्मी प्रवीण कुमार की, मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो प्रवीण कुमार की हत्या हो गई, अपराधियों ने उनको मार दिया था, और उसी पर ऋषिकेश सुलभ ने एक बहुत ब्रिलियंट कहानी लिखी है, और मुझे लगता है बिजेंद्र टाक या कुछ लोगों को जो कहानी के रंगमंच में थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं उस कहानी को मंचन करना चाहिए।
उस कहानी का नाम है बसंत के हत्यारे। अद्भुत कहानी थी जिसके सुलभ ने लिखी है उस प्रवीण कुमार हत्याकांड पर, जिसमें एक चरित्र शारदा सिंह भी हैं, संजय उपाध्याय भी हैं और बहुत सारे पटना के रंगकर्मी हैं। और उसके बाद इन लोगों ने उनकी स्मृति में एक समारोह आयोजित, वो हर साल करते हैं। अप्रैल में शायद वो समारोह में मुझे और गिरजा शंकर जी को जाना था, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि उसके पहले लॉकडाउन हो गया। और मन में वो कहाँ से वो जज्बा आता है जो लोग की जान की बाजी लगा कर करते हैं। आखिर कोई तो उम्मीद रंगमंच देता है ना आपको, जिंदगी की उम्मीद देता है, जिसमें मैं शीला देवी की मणिपुर से हमेशा चर्चा करता हूँ, जिसमें मैं बहारुल इस्लाम के तिनसुकिया वर्कशॉप में जो किया गया अतिवादियों से वो मिले और उस तरह से बात हुई उसकी चर्चा करता हूँ, जिसमें मैं अमृतसर के केवल धालीवाल की बात करता हूँ जो नफरत के इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के दौर में लाहौर में जाकर वर्कशॉप करते हैं और लाहौर के लोग उनके यहाँ आकर रंगकर्म करते हैं, और आज तक इसके कोई प्रमाण नहीं है कि उन रंगकर्मियों पर कोई आरोप लगे हैं और उन्होंने देश का कोई कानून तोड़ा हो। वो सब इतने लोग हैं केरल में, कर्नाटक में हमारे एक मित्र हैं चिदंबरा राव जाम्बे वामन केंद्रे के बैचमेट रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, 1981-82 में निकले। और केवी सुबन्ना को मैं हमेशा अक्सर नीरज कुंदेर सीधी को प्यार से कहता हूँ, नीरज कुंदेर को, कि तुम्हें भी एक दिन मैग्सेसे अवार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम भी सीधी में वही काम कर रहे हो जो केवी सुबन्ना ने हेगुड़ू में किया। मैं वहाँ गया हूँ और कर्नाटक के जो उस समय के एक उप मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री की सरकार थी, इनकी देवगौड़ा जी के बेटे के इन्विटेशन पर गया हूँ, एस टी कुमार स्वामी के इन्विटेशन पर गया हूँ। और उस समय एम प्रकाश जो उस गांव में पहली बार एक ऐसे राजनेता के घर में करीब 10,000 किताबों की एक लाइब्रेरी देखी थी। और बाद में मुझे बताया गया था कि हमारे नोबेल पुरस्कार विनर वीएस नायपाल हैं, तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है एरिया ऑफ डार्कनेस, उसमें 10 पेज एमपी प्रकाश के बारे में लिखा है और उनके लाइब्रेरी के बारे में लिखा है। तो मैं वहाँ चिदंबरा राव जाम्बे के बारे में बात कर रहा था, तो केवी सुवर्णा ने जब वहाँ निनासम थिएटर इंस्टीट्यूट खोला, जो बहुत, तो अब सुवर्णा जी नहीं रहे, उनके बेटे अक्षरा चलाते हैं, बहुत उम्दा इंस्टीट्यूट है देश का, बहुत ही प्रतिष्ठित, वहाँ मैं 3-4 बार जाने का मुझे अवसर मिला है मैसूर और वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, आप देखिए कि निनासम थिएटर इंस्टीट्यूट को जाम्बे ने 82 में ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल, और वहीं से वो रिटायर हुए काफ़ी करीब 20 साल बाद। और जाम्बे ने फिर रिटायर होने के बाद एक मठ था वहाँ कहीं बहुत दूर एक उत्तरी कर्नाटक में, वो मठ में गए। अब मठ का काम तो है पूजा पाठ करना, भक्ति करना, ये सब करना, और जाम्बे ने वहाँ एक रंगमंडल स्थापित किया, सुदूर इलाके में जाकर एजी चिदंबरा राव जाम्बे, उनका नाम भी कितना बड़ा है सुनिए, अड्डेरी गोविंदप्पा चिदंबरा राव जाम्बे, मैंने इतना लंबा चौड़ा उनका नाम है। और उनके मैं गांव भी गया हूँ जहाँ वो खेती करते हैं और रंगमंच करते हैं। और अब जाम्बे ने जो कमाल का एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर, अब देखिए आपका एकदम मन खुश हो जाता है जाते है कि ये इस तरह का रंगमंच हो रहा है वहाँ। और सुवर्णा को मैग्सेसे अवार्ड मिला, किस लिए मिला, सुवर्णा का पूरा उपक्रम आर्ट इज द मेडिसिन, जो पूरी जो हमारी कलाएं हैं वो समाज के लिए मेडिसिन का काम करती है, इसको इस देश में पहली बार केवी सुवर्णा ने हेगुड़ू कर्नाटक में संभव कर दिखाया। और इसका दूसरा उदाहरण शीला देवी हैं जो कि मणिपुर में इसको संभव कर रही हैं। शीला देवी हालांकि आजकल उनके पति आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आजकल उनकी बड़ी मैंने शक्तिशाली हो गई हैं, ताकतवर हो गई हैं, यहाँ तक कि मेरी बहुत इज्जत करती हैं। और शीला देवी के साथ हमने कई बार लगभग टाई कंपनी के साथ यात्राएं की हैं, और वो वहाँ गांव-गांव घूमकर नाटक करती हैं और वो कैसे लोगों को बचाती हैं इसके बारे में,
क्योंकि नाटक उम्मीद देती है ना। और एक हमारे मित्र हैं जापान के, ओसाका यूनिवर्सिटी में, वो जापान के यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो गए, तोमियो मिजो कामी। अब तोमियो मिजो कामी का काम मैंने दिल्ली में देखा। मैं उस समय अंकुर जी के साथ काम कर रहा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, मीडिया कंसल्टेंसी और छोटे वोट, तो अंकुर जी ने मिलवाया था तोमियो मिजो कामी से। बाद में चंडीधर शुक्ला ने, जो दैनिक जागरण में थे उन दिनों और बाद में अब दैनिक भास्कर आज जिंदगी में है, उन्होंने मुझसे कहा कि अजीता एक ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग हफ्ते में एक थिएटर पर्सनालिटी को लेकर एक जागरण जैसे अखबार में जो सबसे ज़्यादा बिकता है देश में, उसमें एक ऐसा कॉलम लिखे जिसमें आसान भाषा में जनता को ये बताया जाए कि बाकी रंगकर्मी क्या कर रहे हैं। तो उसे मैंने कहा, तो तोमियो मिजो कामी पर मैंने जागरण में एक लेख लिखा था उनके काम को देखने के बाद, और रंग प्रसंग का दफ्तर था, अंकुर जी बैठे थे, सब कुछ, तोमियो मिजो कामी आए थे और उन्होंने, मैंने कहा कि आप पर मैंने लिखा है, और वो हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं क्योंकि वो ओसाका में हिंदी पढ़ाते हैं और पटियाला यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है और हमारे संगम जी और सीपीएच जी ने भी काफ़ी उनके बारे में लिखा है। तो वो शांति से चुपचाप पूरा आर्टिकल पढ़ गए। उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठे और मेरे पैरों के पास बैठकर उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और उन्होंने कहा, अजीत जी इतना अच्छा आलेख तो जापानी में भी नहीं मुझ पर लिखा गया। मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने कहा, अरे ये क्या अनर्थ कर रहे हैं प्रभु, मेरा तो काम था आपके बारे में बताना। तो अब वो तोमियो मिजो कामी के बारे में जान लीजिए। आप जानते हैं कि जापान में कई बार तूफान आते हैं, कई बार चक्रवात आता है, कई बार शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो ओसाका में भी एक बार बहुत भयानक तबाही हुई। और वो इतनी मृत्यु हुई कि दहशत फैल गई। अपने विश्वविद्यालय के हिंदी और उर्दू के छात्रों को इकट्ठा किया और उन्हें कुछ कॉमेडी प्लेज इम्प्रोवाइज करा रहे, अलग से लिखे हुए प्लेज नहीं, और उन्होंने कहा कि यदि मुझे अपने शहर के लोगों में जीवन का संचार करना है तो मुझे फिर से इनको हंसाना पड़ेगा ताकि ये अपने ट्रॉमा से, अपने गहरे दुख से उबर जाएं। और तोमियो मिजो कामी ने सैकड़ों शोज किए कॉमेडी प्लेज के और एक पूरा का पूरा ओसाका शहर खिल उठा। तो आप देखिए कि एक नाटककार ने वो काम किया जो वहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रशासक, राजनेता नहीं कर पाए। ये अद्भुत उदाहरण है तोमियो मिजो कामी का जो उन्होंने वहाँ किया। और बाकी जितनी जगहों पर वो क्या करता है रंगमंच, मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों हम इसको कहते हैं कि यह समाज के लिए औषधि है, दवा का काम करती है। जिसको मैं बार बार एम के रहना की एक बात कोट करता हूँ कि जो संस्कृति है वह, यानी कलाएं, संस्कृति जो है वो सेफ्टी वॉल्व है सामाजिक जीवन का, उसके ताने बाने। यदि नहीं है तो ये विफल हो जाएगा, हम इंसान नहीं बनेंगे, हम जानवर से हो जाएंगे। लेकिन हमें इंसान कैसे बनाने, मेरे पास तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि हम किसी को नाटक में देखते हुए, आप याद कीजिए, मैं आपको एक नाटक की ओर ले चलता हूँ, मैं जब से देखता हूँ मैं उस आखिरी सीन को भूल ही पाता, जिसको मैंने कई बार कहने की कोशिश भी की है। आप गिरीश कर्नाड के नाटक अग्नि और बरखा की याद कीजिए और अग्नि और बरखा के नाटक का अंतिम दृश्य याद कीजिए कि इतना बड़ा रक्तपात हुआ है और वहाँ आप देखिए, थोड़ा थोड़ा वाइन भी पिया जाए और जिनके पास कुछ दूसरी चीज़ें हों वो भी पी सकते हैं ताकि थोड़ा सा मूड भी बने ठीक से, क्योंकि बिना मूड के कल्चर होता नहीं। हमारे शताब्दियों से जो हमारे समाज के आखिरी पायदान पर पड़े रह रहे समुदायों ने इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया दुख से मुक्ति के लिए। तो जो उसका नायक है, अग्नि और बरखा का नायक है, उसकी प्रेमिका को मार दिया गया है और ऊपर से भविष्यवाणी होती है कि तुम वर मांगो, तो लोग चारों ओर वर्षा के लिए चिल्ला रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है पूरे राज्य में और लोग कहते हैं कि नहीं वर्षा मांगो, वर्षा मांगो। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी प्रेमिका चाहिए, निजी सुख, निजी इच्छाएं, अनंत महत्वाकांक्षाएं जो हमारे समाज में होती,
वो कहता है कि मुझे प्रेमिका चाहिए, हे प्रभु यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो इस भी प्रेमिका को जीवित कर दो। ईश्वर कहते हैं ऊपर से कि देखो काल का चक्र पीछे नहीं घूम सकता, मैं तुम्हारी प्रेमिका को जैसे ही जीवित करूंगा तो वो तमाम लोग भी जीवित हो जाएंगे जिन्होंने इतना नुकसान इस मनुष्यता का किया है। तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे, तुम्हारे बाकी लोग जीवित हो जाएंगे, वो हत्यारे जीवित हो जाएंगे जिन्होंने तुम्हारी प्रेमिका को मारा है। और उसके बाद आप देखिए तब वो जाकर अंत में उसको अचानक चेतना होती है कि नहीं, निजी दुखों और सुखों से ऊपर उठकर थोड़ा सा मनुष्यता के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए। तब वो कहता है पानी, आखिरी संवाद है उस नाटक का पानी, और पानी की वर्षा होती है। मैं देखता हूँ कि ये कौन सी ताकत है। मैंने बहुत सारे इस देश में मित्रों रंगकर्मियों को देखा है, बहुत सारे लोगों को, और आजकल तो महिलाएं भी बहुत सक्रिय हैं और लड़कियां नई नई आई हैं, उनकी हिम्मत है। और वो लोग मान अपमान सहते हुए आधा पेट खाना खाकर भी मंच पर जो कमाल का जादू करते हैं, इतने में आखिर मंच पर कुछ तो होता। आपको फिर मैं एक साहित्य की ओर चलूंगा, आपको हमसे कोई भी तो उस पर नाटक करें, हमने इंद्र को कहा था उस पर नाटक करने का, मेरे वाले महाराज के दिग्गज साहित्यकार हैं, उनका नाम है आनंद जाधव। जाधव आनंद जाधव वहां सवन नहीं है और वो काफी चर्चित है। उनका एक उपन्यास 1995 में मैंने पढ़ा था नेशनल बुक ट्रस्ट पे, उसका नाम था नटरंग। नटरंग में एक ऐसे दलित समाज से आए हुए युवक की कहानी है, आत्मा रंगमंचपति वो नृत्य करता है और उसके लिए ईश्वर मंद है, कंपनी बनाता है और उस नाटक की कंपनी में उसको कोई बात नहीं मिलता। इस समय की वो कथा रही होगी, समय पूर्व को ही स्त्री बनना पड़ता होगा, कोई इस बात नहीं तैयार नहीं था। तो पहला मंचन जब होता है तो वो खुद स्त्री पात्र के रूप में मंच पर आता है नटरंग का नायक, और उसी रात उसके पिता आत्महत्या आगे क्या, ये वो घटनाओं का कंट्रास्ट इस तरह से है। एक कलाकार जो अपनी जिंदगी की सारी चीजें मंच पर उड़ेल देना चाहता है और उसके लिए केवल वो कला नहीं है, केवल वो औषधि नहीं है, उसके लिए उसका सर्वस्व है, उसकी पूजा है, उसकी आराधना है, रात में उसका ईश्वर है रंगमंच। और उसके बाद फिर वह घर आता है तो घर में शोक, क्योंकि पिता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उसका बेटा औरत बन सकता है मंच पर सबके सामने। कहानी आगे चलती रहती है, चलती रहती है। एक जगह उसकी नाच मंडली जाती है और जो ताकतवर सामंत और बड़े ताकतवर लोग होते हैं गांव के, पटेल वगैरह सब लोग, वो उन लोगों से किसी बात पर मतभेद हो जाता है। तो जाहिर है मतभेद होता है और इस नटरंग के नायक को सबक सिखाने के लिए गांव का जो प्रधान है, जो बहुत ताकतवर है, वह उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है। रेप के बाद का दृश्य है जो अंतिम दृश्य में जो वर्णन है उस उपन्यास में, जिसमें वो चल रहा है और लेखक आनंद जाधव लिखते हैं कि इस समय वो न जल में है, न थल में है, न आसमान में है, न प्रकृति में है, इस समय वो दूसरे लोक में है और चलते हुए वो अचानक अपने आप को शिव के करीब पा रहा है। वो पा रहा है कि उसके भीतर एक अनंत ऊर्जा का संचार हो रहा है, वो अपनी सारी शारीरिक कष्ट और पीड़ाओं से मुक्त हो चुका है और उसके पूरे शरीर और मस्तिष्क में आनंद की गंगा बह रही है। आनंद ही आनंद से उसका पूरा व्यक्तित्व संचालित हो रहा है। आप देखो मैं तो दंग रह गया उसको पढ़कर अभी याद करते हुए कि क्या ये जो सब्जेक्ट नीरज और शिवा ने रखा है। आप देखिए नटरंग का आखिरी दृश्य देखिए, आखिरी उस उपन्यास के, मैंने कला आपको इस तरह से ले जाकर वहाँ स्थापित कर देती है। एक जमाने में सन 2003 में मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, तो 2004 के आसपास गर्मियों में, उस समय
मैं पुणे में मेरा ओशो कम्यून में एक भद्र महिला से इश्क हो गया था और उस महिला का मैं कृतज्ञ हूँ जिसने मुझे फिर से रचा, दोबारा से रचा। और प्रेम को मैंने समझा उसी समय कि प्रेम क्या होता है, और वो समझ आज तक मेरी जारी है फिर जैसा कि होता है। और आप देखिए कि उस समय हम लोगों को टिकट नहीं मिलता था, रिजर्वेशन नहीं मिलता था। एक गोवा एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से खुलती थी और वो 3:15 पर खुलती थी दोपहर में। भयानक गर्मी, भीषण गर्मी, रिजर्वेशन नहीं है, एसी के एक या दो कोच होते थे जो 2 महीने पहले फुल हो जाते थे। मैं जनरल क्लास का टिकट लेकर एक जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर और केवल कला और उन नाटकों और उन फिल्मों के बारे में होते थे और इनका मेरी जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ा होता था। और मैं अपनी प्रियतमा का चेहरा याद करते हुए 24 घंटे का सफ़र मैं काट देता था निजामुद्दीन से पूना तक का। आप सोचिए कि 24 घंटे बिना किसी कष्ट और बिना किसी दर्द के मुझे कोई कष्ट फील नहीं होता था। जिसमें ये जो इसमें एक बहुत मशहूर आपको देखिए अनुपम खेर के नाटक का दृश्य है कि अनुपम खेर एक नाटक करते हैं कुछ भी हो सकता है, जिसमें अमिताभ बच्चन से अपनी पहली मुलाकात का वो जिक्र करते हैं कि वो अंधा कानून या कुछ ऐसी फिल्म की शूटिंग साउथ में चल रही थी और वहाँ अनुपम खेर गए थे और एसी काम नहीं कर रहा था और अनुपम खेर बहुत परेशान थे। तो लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन जी भी याद कर रहे हैं तो मिल लीजिए, देखिए। तो उन्होंने कहा दर्जी हैं, तो अमिताभ से मिलने गए। तो कट टू द पॉइंट की ये है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से पूछा कि सर एसी नहीं चल रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी अपना कोट सूट पैंट दाढ़ी मूछ लगा कर बैठे हुए थे मेकअप में। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर अनुपम, इफ़ यू फील देन यू फील, यदि आप महसूस करोगे कि गर्मी है तो गर्मी लगेगी, यदि आप महसूस नहीं करोगे तो गर्मी नहीं लगेगी। हम अपने फिजियोलॉजी में और साइकोलॉजी में कक्षाओं में पढ़ते थे कि जैसे बच्चा फुटबॉल खेलता है और उस समय उसकी उंगलियों में कोई ठेस लगती है, खून बहने लगता है, उसको दर्द का अनुभव उस समय नहीं होता। वो दर्द का अनुभव बाद में होता है जब मैच खेलकर वो घर में आता है। उसी तरह से मैं जानता हूँ कि जिस तरह से रंगकर्मी स्टेज पर अभिनय करते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, जुनून में होते हैं, बुखार में तप रहे होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, उनको दर्द नहीं होता, वो बाद में होता है। वो कर गुजरते हैं मंच पर जिस तरह की चीज़ें होती हैं। आप देखिए, फिर मैं कुछ अब नाटकों की और चर्चा करूँगा। नीरज ने कहा था कि सिनेमा पर कुछ बात कीजिए, लेकिन सिनेमा पर मैं इतना बोल चुका हूँ अपने 10-15 लाइव में कि थोड़ा सा नाटक सिनेमा पर फिर करेंगे बातचीत। और भी ये कोई कुंभ का मेला थोड़े नीरज की 12 साल पर आएगा, वो तो हमेशा आता रहेगा। कुछ नाटकों के बारे में वाकई चर्चा करना चाहता हूँ कि जिन नाटकों ने मुझे अंदर से शक्ति दी और उन नाटकों ने मुझे वाकई में अपने दुखों से निपटने में बहुत बड़ी भूमिका अपनाई। और उसमें कुछ फिल्मों के दृश्य भी हैं, कुछ कई चीज़ें हैं जो अविस्मरणीय हैं, जिसको भूलना वाकई बहुत मुश्किल है। तो नीरज का आग्रह मानते हुए 2 फिल्म का जिक्र केवल मैं करूँगा, जो कि मैं कर चुका हूँ, फिर भी रिपीट करूँगा। आप सुनिए और आप कभी वो फिल्म को देखिएगा। और शशि कपूर से जो मेरी आखिरी मुलाकात पृथ्वी थिएटर में हुई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो फिल्म है सिद्धार्थ, हॉलीवुड की फिल्म है, सिमी ग्रेवाल और शशि कपूर के साथ वो बनी थी। और उसमें कुछ दृश्यों को लेकर और कुछ न्यू दृश्य थे जिसके लिए उसकी कुछ बहुत आलोचना भी थी, लेकिन उसमें शशि कपूर का एक डायलॉग है जो बुद्ध का डायलॉग है। और वो एक सेठ के पास जाते हैं, मैं भी, हम सब तो फ़कीर हैं ना, हमारे मित्र संगम पांडे कहते रहते हैं, मैं उनको अक्सर कहता रहता हूँ कि हम लोग फ़कीर हैं और हमारा तो काम ही दान के बल पर चलता है और हम राष्ट्र की संपत्ति हैं, तो राष्ट्र हमारा खर्च उठाता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो कभी अच्छाई हो तो अच्छे से रहते हैं और कभी अपनी पकड़ी में रहते हैं। तो वो वैसे भी एक सेठ के पास गए, जैसे मैं भी बहुत सारे सेठों के पास जाता रहता हूँ। तो वो कहते हैं तुम और इससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तो सेठ कहता है कि आखिर तुम में क्या खासियत है कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूँ। शशि कपूर का वो डायलॉग मेरे दिमाग में अभी तक स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वो डायलॉग अंग्रेजी में है क्योंकि फिल्म अंग्रेजी की थी। आई कैन फास्ट, आई कैन वेट एंड आई कैन थिंक,
मैं उपवास कर सकता हूँ, यानी कि मुझे कई दिन खाना न भी मिले तब भी मैं जी सकता हूँ। मैं इंतजार कर सकता हूँ कि मुझे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। और एंड आई कैन थिंक, सबसे बड़ी बात है कि मैं सोच सकता हूँ। और इसी सोच पर लाकर मैं कहता हूँ आपसे कि यह दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी और पूंजी से नहीं चल रही है, यह दुनिया मनुष्यों की वर्षों से की हुई सोच के बल पर चल रही है, और वो सोच ही सारे चीज़ों को जन्म देती है हमारे भीतर। और मैंने खुद इसमें कई थियोरी और कई अपनी सैद्धांतिक विकसित की है, अपनी नाटक और अपनी आया कबीर लेखकों को रो दीजिए, अगर कई समीक्षाएं होती थी उसमें लगते थे कि उसने कमाल का अभिनय किया, उसने शानदार अभिनय किया, उसने यादगार अभिनय किया, उसने जान डाल दी, उसने क्या कर दिया। समीक्षक को बताना चाहिए ना कि वो क्या चीज है जिसने आपको ये इस तरह से आकर्षित किया। और दूसरी एक फिल्म है जिसका नाम है सेवन समुराई। सेवन समुराई में कुरोसावा, अकीरा कुरोसावा जापान पहुंचे, आप सब जानते हैं, उसमें वो सेवन समुराई की से ही प्रेरित होकर शोले बनी थी ऐसा कहा जाता है। तो उसमें कुछ लड़ाक गांव वाले हैं, 14वीं शताब्दी का जापान है, जापान में डकैत आते हैं, लूट कर ले जाते हैं। उन डकैतों से बचाने के लिए वहाँ एक लड़ाका का बिजनेस करने वाले, यानी कि युद्धवीर होते थे जो लोगों को डकैतों को मारकर भगाते थे और गांव को बचाते थे। उसमें एक छोटा सा 17-18 साल का लड़का भी है, 7-7 समुराई आते हैं और उनमें से 3 उस लड़ाई में मारे जाते हैं और लड़का बचा है और उसका उस गांव की लड़की से थोड़ा सा इश्क वगैरह हो जाता है। और डाकू चले गए, संकट खत्म हो गया। तो भाई दुख खत्म हो गया तो हम क्या पूछा, हमने वो इग्नोर कर दिया। वो चुपचाप, आखिरी शॉट है उस फिल्म का देखिएगा, चुपचाप वो एक अनंत एक अनिश्चित अनंत गंतव्य की ओर जा रहे हैं 4 लोग। पीछे का एक बच्चा है जो छोटा 18 साल का है और रास्ते में खेत में नृत्य करती हुई उसकी प्रेमिका दिखती है और वो एक उम्मीद में उसकी ओर एक नजर भर देखता है और शायद वो मुझे आवाज दे और शायद वो मुझे पहचाने। एक क्षण के लिए वो प्रेमिका ठिठकती है और उस लड़के को भूलकर नृत्य करने लगती है। और जाते हुए आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि उस 4 लड़ाकों की पीठ दिखाई दे रही है, वो जा रहे हैं। मैंने ये ऐसे दृश्य हैं जिनको मैं नहीं भूल सकता। अब आइए एक नाटक की चर्चा करते हैं। जैसे कई चीज़ें हम रेफरेंस कहाँ से लेते हैं अपनी रंग समीक्षाओं में और नाटकों को देखते हुए, उन नाटकों को देखते हुए हम कई कई जन्म जी लेते हैं, हम कई कई कैरेक्टर जी लेते हैं जिसको हम तादात्मीकरण कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन इन पर्सनालिटी में पढ़ाया जाता है कि जिन पात्रों से हम खुद को जोड़ते हैं, खुद को जैसे कालिदास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं मुझे। आषाढ़ का एक दिन देखते हुए आप देखिए कि प्रेम और सत्ता के द्वंद्व पर आषाढ़ का आप देखिए कि जो उसमें किस तरह से मल्लिका है, मल्लिका किस तरह से उसका इंतजार करती है और कालिदास किस तरह से अंत में सोचता है कि मल्लिका, मैंने इस बार लिख भी दिया था, बापी बोस ने भी उस पर काफ़ी अच्छी टिप्पणी की थी और बापी बोस ने आषाढ़ का एक दिन नए तरीके से किया कि आखिर ये कालिदास खूब सब कुछ करता है, याशी करता है, प्रमाण आता है कि वो वारांगनाओं के यहाँ उज्जैन में, माने कि कोठे पर वेश्याओं के साथ रंगरलिया मनाता है, राजकुमारी से शादी करता है, राजा बनता है, सब कुछ होता है। और वो ये सोच रहा है कि मल्लिका उसी तरह उन पर्वत उपत्यकाओं में उसका इंतजार कर रही होगी और समय वही ठहरा होगा। समय तो नहीं ठहरा होगा, जब वो जाता है उससे मिलने और कहता है कि हम नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन तभी भीतर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो भीतर से जाती है बच्चे को लेने और जैसे ही बाहर आती है कालिदास जा चुका होता है। ये कैसा द्वंद्व है कि जिस समय हम प्रेम में, मैंने कम से कम हमारा जो नाटक है, रंगमंच है और कलाएं हैं और हमारा सिनेमा है, ये दो चीज़ों की सबसे बारीकी से पड़ताल करता है, एक तो प्रेम की और दूसरी हिंसा की, वायलेंस की, नफरत और वायलेंस की, और प्रेम और
आत्मीयता की लगाव की पड़ताल करता है। इस पर आपको सैकड़ों प्रसंग मिल जाएंगे। और इसलिए मैंने एक बात कह भी दिया था कि मोहन राकेश का जितना भी आलेख है वो आज के ज़माने में यदि स्त्रीवादी विमर्श में उनको देखा जाए तो लगभग एक तरफा है और स्त्रियों के खिलाफ जाता है। जैसे आधे अधूरे में सारा दोष सावित्री की ओर मर दिया जाता है। या एक रंजीत कपूर ने बहुत उम्दा नाटक किया था और उस नाटक का परिणाम हुआ कि दक्षिणा शर्मा और सुमन वैद्य जो एनएसडी के अभिनेता हैं उनका प्रेम हुआ, फिर शादी हुई, फिर भरा पूरा उनका परिवार बना। वो नाटक था, रंजीत कपूर ने किया था, मोहन राकेश के एक अलक्षित टेक्स्ट पर, उसका नाम था अंतराल। अंतराल का पूरा आप दृश्य संविधान को देखिए, उसमें आता है। तो खैर, और इन द मूड फॉर लव में किस तरह से, और प्रेम आपको क्या करता है, प्रेम आपको इंसान बनाता है। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जो कि मुझे पता ही नहीं कि फोन आ रहा है, मुझे पता ही नहीं कैसे काटना है, इसलिए वो अपने बहुत सारे कि आप यदि सहृदय रहेंगे, आपके दिल में प्रेम होगा, आप किसी से प्रेम करेंगे, तभी आप दूसरों के प्रति भी सहृदय रहेंगे। बहुत सारे लोग बहुत आक्रोश में रहते हैं, जिनको जैसे मैं कई बार एक अपने मित्र हैं जिनको मैं कुपित वीर्य कहता हूँ। अब कुपित वीर्य के बारे में शिवकेश मिश्रा और संगम पांडे जानते हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। वो सारी दुनिया पर खफा रहते हैं, सब पर खफा रहते हैं, उनको सब चिल्ला दिन सब दिया, दिल्ली कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा प्रेम कर लीजिए। और गीताश्री ने उनको एक सलाह भी दे दी थी कि भाई आप कार खरीदेंगे तब कार की अगली सीट पर कोई कन्या आएगी और वो आपसे प्रेम करेगी। खैर, तो मैं उनको कहता हूँ प्रेम कर दी। एक परशुराम जी हैं जिनको हम लोग मजाक से परशुराम जी कहते हैं, यानी क्रोधी ब्राह्मण, उनको भी मैंने कहा कि यार प्रेम करो, कुछ करो, ताकि तुम्हारे भीतर की थोड़ी सी हिंसा और कटुता कम हो जाए। और इसको कैसे, आप एक नाटक का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक नाटक है इंदिरा पार्थ सारथी का, तमिल नाटक है। इंदिरा पार्थ सारथी पुरुष हैं, लेखक हैं, इंदिरा पार्थ सारथी नाम है उनका। औरंगजेब, वो अद्भुत प्रोडक्शन मैंने औरंगजेब देखा था, के एस राजेंद्रन ने किया था। और जो पहली कास्ट थी औरंगजेब की, वो क्या गजब की कास्ट थी। वैसे नाटक दुर्लभ हैं, मैं राजेंद्रन का मुरीद हो गया। के एस राजेंद्रन तो संस्कृत नाटकों के लिए जाने गए, और के एस राजेंद्रन के एक दूसरे नाटक विक्रमोवर्षियम, जिस पर मैंने लिखा, औरंगजेब पर भी मैंने लिखा था, उसके बारे में बात करूंगा। के एस राजेंद्रन के नाटक औरंगजेब में औरंगजेब का किरदार निभाया था महान अभिनेता महेंद्र मेवाती ने, और उनके पैरल दारा शिकोह का अभिनय किया था श्रीवर्धन त्रिवेदी ने। और उस औरंगजेब में ये दो लोगों पर वो नाटक चलता है। हरविंदर कौर बबली भी थी एक रोल में, और कई लोग थे। लेकिन मुझे क्या याद आया जब मैं उसके नाटक की समीक्षा लिखने बैठा, देखिए उसमें था एक निकरागुआ के पोएट, बहुत नामी पोएट, और उनकी प्रेम कविताएं अद्भुत हैं। मंगलेश डबराल ने उनके बहुत सारे अनुवाद किए हैं। तो निकरागुआ के पोएट आइनेस्टो कार्निगाल, अब मैं इस फोन को कैसे काटूं या क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक देना होगा। चलिए मैं काट दिया, फिर भी वो माने। अब मुझे नीरज कुंदेर ने ये सिखाया ही नहीं कि बीच में फोन आए तो क्या करूं, और बोलते हुए मैं सामने स्क्रीन पर आ रहे संदेशों को पढ़ नहीं पा रहा हूं। कैसे क्या करें। खैर, तो आइनेस्टो कार्डिनार ने हिटलर के बारे में एक कविता लिखी, और उस कविता में आता है कि हिटलर हर रोज उस गली से गुजरता था जहां उसकी प्रेमिका रहती थी, उसका स्वागत कर लिया होता, उसकी ओर एक प्यार भरी नजर से देख भर लिया होता,
तो हिटलर इतना हिंसक और क्रूर नहीं होता। आइनेस्तो कार्डिनाल की कविता काम में आता है ये। और आप देखिए कि औरंगजेब के साथ भी यही हुआ, और औरंगजेब इसी नाटक हुआ कि काश कि औरंगजेब के जीवन में कोई एक संपूर्ण स्त्री आई होती और जिससे उसे प्रेम मिला होता तो औरंगजेब इतना केस राजेंद्रन का एक नाटक है विक्रमोर वर्षियम, शायद कालिदास का नाटक है, शायद मैं भूल उसके लेखक। विक्रमोर वर्षियम में होता यह है कि पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम पर यह नाटक है, और इंद्र को राक्षसों से युद्ध में पराजित करके वो बचाया था पुरुरवा ने, और उससे खुश होकर इंद्र ने और उर्वशी को बचाया था, किसी को बचाया था। तो बात है कि वो इंद्र ने शाप दे दिया कि तुम जाकर उसी के साथ साल भर रहो पुरुरवा। अब उर्वशी विश्व की सबसे सुंदरी और पुरुरवा उससे प्रेम करता है, लेकिन एक दिन वो शिकार खेलने जाता है पुरुरवा जंगल में, सालों के पहले भी ये लिख दिया गया है कि पुरुष एक स्त्री व्रत का पालन कर ही नहीं सकता, उसका मन ऐसा है कि वो विचलन होगा ही। तो कालिदास लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वहां उस इस बात को उर्वशी भांप जाती है, और उर्वशी इसको दंड देने के लिए और अपना गुस्सा बताने के लिए एक पेड़ में बदल जाती है, और पुरुरवा फिर बहुत खुशामद करता है, अपने को सुधारने की कोशिश करता है, जैसे कि हम लोग करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो स्त्रियां हमें माफ़ कर देती हैं, तो उस तरह से पुरुरवा वापस उर्वशी मनुष्य का तन धारण करती है। तो ये इस तरह से नाटक और सिनेमा को देखते हुए और दुनिया भर के सिनेमा को देखते हुए, अभी मैं जैसे मैंने अभी पिछले दिनों लिखा था एक फिल्म के बारे में लस्ट और अंगली मित्रों ने, लंदन के हमारे मित्र हैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं राकेश माथुर ने कई बार उस फिल्म का जिक्र किया था, और मैंने देखी थी और उसमें लिखा था लस्ट कसम में वो क्या है, वो एक स्त्री जाती है उसको, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बात है, और उस पर लेख वो उसको मारे, लेकिन वो उसके हाथ से वो गोली चल नहीं पाती है, क्यों? और उसका बैकग्राउंड थिएटर का है उस लड़की का, क्योंकि वो उससे प्रेम करने लगती है। एक फ्रेंच फिल्म में का नाम है पेस टर्नर पियानो के बारे में जानते हो, टेक्निकल टर्म है पियानो प्लेइंग में पेस टर्नर, तो वो उसमें बदला लेने के लिए एक उसका नायक जाता है किसी की हत्या करने, और चूंकि उसकी उंगलियां पियानो की अभ्यस्त हैं, संगीत की अभ्यस्त हैं, तो उससे रिवाल्वर की गोली चल ही नहीं पाती है, क्योंकि जिस हाथों से जिस उंगलियों से उसने इतने उम्दा संगीत रचे हैं, इतनी धुने बनाई हैं, वह कैसे मार सकता है किसी को, किसी की हत्या कैसे कर सकता है, ये सोचने की बात है। और फिर एक नाटक का जिक्र आपके सामने, मैं एक बार ऑस्ट्रिया गया था, तो ऑस्ट्रिया में मैं जब अस्कर वजाहत के साथ उनके नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जन्म्या ही नहीं के 20 साल पूरे हुए थे 2009 में, तो हम लोगों ने एक वर्ल्ड सेलिब्रेशन मनाया था, और उसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सिडनी, लाहौर, कराची और लंदन में तेजेन शर्मा ने भी एक आयोजन किया था बड़े भाई साहब ने, और उसके बाद हंगरी में, तो हंगरी में हम लोग रुके, तो हंगरी में एक मारिया निजेशी हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, असगर जी की दोस्त हैं, उनके फार्म हाउस में रुके थे, और हंगरी को मैं बहुत शेरगी का कनेक्शन हंगरी में माना जाता है कि उनकी मदर हंगेरियन थी, क्योंकि हमारी आधुनिक चित्रकला की बहुत बड़ी हस्ती हैं अमृता शेरगी। और तो हंगरी से 3 घंटे की दूरी पर वियना था, ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यानी कि उसमें आप एक ईंट भी तोड़ नहीं सकते, उसको लगता है पूरे साक्षात विश्वकर्मा भगवान ने बनाया वियना को। और वियना का सबसे बड़ा कल्चरल नायक जो है वो है मोजार्ट, उसकी गलियों में मोजार्ट की धुनें बिखरी पड़ी हैं,
और इसी पर पुश्किल ने अलेक्सांद्र पुश्किन, जिसको आधुनिक रूसी भाषा का पहला महान लेखक माना जाता है, और पुश्किन की भी देखिए, पुश्किन की मृत्यु द्वंद्व युद्ध में हुई थी, वो 32 साल के उम्र में मारा गया था, क्योंकि जिस औरत से प्रेम करता था पुश्किन, उससे कोई दूसरा भी प्रेम करता था। और रूस में ये रिवाज था उस जमाने में कि औरत से आप प्रेम करते हैं और कोई दूसरा भी प्रेम करता है तो आपको उसके साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा, एक मरेगा और एक जीतेगा, जो जीतता था वो उस लड़की के साथ शादी करता था, रहता था। तो पुश्किन द्वंद्व युद्ध में मारे गए थे। लेकिन उसकी एक थ्री बिग ट्रेजिडीज नाम से है और नाटक है, जिसको NSD में किया गया था और एक रशियन या उज्बेकिस्तान का डायरेक्टर आया था, उसने किया था, नीलाभ ने उसका हिंदी अनुवाद किया था। उसमें मोजार्ट है और सेलियरी है, दो दोस्त हैं, दोनों में से एक दोस्त, और दोनों एक दूसरे के संगीत में कंपटीटर हैं और दोनों अद्भुत संगीतकार हैं, और दोनों के साथ होता यह है कि मोजार्ट को चुन लिया जाता है हर साल राज संगीतज्ञ के रूप में, और सेलियरी पीछे रह जाता है। इससे सेलियरी के मन में एक घृणा, एक उंटा और एक तो वो मोजार्ट को मारने के लिए अपने, बहुत उम्दा प्रसंग है, मैं कभी नहीं भूल पाया इस प्रसंग को, कि कैसे कला क्या कर सकती है, इसका अल्टीमेट उदाहरण ये है मित्रों। क्योंकि आप देखिए तो वो एक भोज का आयोजन करता है अपने घर में, और उसमें एक शाप रखी जाती है ग्लास में, दोनों ओर मोजार्ट और सेलियरी आमने सामने बैठे हैं, खाना लग चुका है, और सेलियरी मोजार्ट की शराब में जहर मिला देते हैं, और वो जब मोजार्ट उसकी तारीफ करता है कि सेलियरी ठीक है राज संगीतज्ञ तो मैं हो गया, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा प्रतिभावान संगीतकार हो, तो सेलियरी मोजार्ट से कहता है कि मोजार्ट, मान लो, सेलियरी मोजार्ट से कहता है कि मोजार्ट, मान लो कि यदि मैंने तुम्हारे शराब में जहर मिला दियो, तो मोजार्ट हंसते हुए कहता है कि सेलियरी तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिभा और निष्ठा साथ साथ नहीं रह सकते, प्रतिभा और अपराध साथ साथ नहीं रह सकते। और सेलियरी को इतनी आत्मग्लानि होती है कि जहर मिलाया हुआ शराब का गिलास पी जाता है और सेलियरी मर जाता है। आप देखिए मित्रों, कला और रंगमंच की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में आत्म परिष्कार का इतना बड़ा उदाहरण आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। मैंने लिखा था, अविनाश दास ने अपनी मोहल्ला लाइफ पर जनसत्ता में मैंने लिखा था इस नाटक की समीक्षा लिखते हुए, आप कला और अपराध साथ साथ नहीं रह सकते। और इसी को फिर मैं आज के अपने वक्तव्य की, क्योंकि एक महीना एक घंटा होने वाला है, समापन करूंगा, बंसी कॉल को फिर उद्धृत करना चाहूंगा कि इस देश में रंगमंच नहीं होता तो हमारी 80 के दशक की पूरी जनरेशन ड्रग एडिक्ट, और इस देश में रंगमंच ने हमारी एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को क्रिमिनल और नशेड़ी होने से बचाया है, और राष्ट्र निर्माण में उनका जो योगदान हुआ है, तो राष्ट्र ने कला का, संस्कृति का, कलाकारों का इतना बड़ा योगदान है। तो दो चीज जो मुझे याद रह गई, एक तो आइनेस्टो कार्डिनल की वो कविता, अगर तो वो जरूर नहीं, कला हमारे लिए ये मेडिसिन का काम करती है। दूसरी सेलेरली अलेक्सांद्र पुश्किन के नाटक थ्री बिग ट्रेजेडी का वो डायलॉग और वो दृश्य, जिसमें महान संगीतकार मोजार्ट के सामने जहर मिली शराब का गिलास उसके सामने से उठाकर सेलेरली खुद इस आत्मग्लानि में पी जाता है कि प्रतिभा और अपराध साथ साथ नहीं रह सकते। ये बात हमेशा याद रखने की है। नीलय उपाध्याय की एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, बल्कि नीरज कभी नीलय उपाध्याय को इस प्रोग्राम में बुलाओ, वो बहुत, आजकल उनकी कविताएं बहुत सार्थक हैं, कि
तड़कते आसमान में बिजली की रास पकड़ ने की होड़ में लगे हैं जो, वो एक दिन पछताएंगे। पृथ्वी में फिर भी नारियल की तरह पृथ्वी पर बचा रहेगा। जब दुनिया में विरोध के सारे हथियार चुक जाएंगे, एक मुट्ठी अन्न कम खाएंगे बचाएंगे, जब दुनिया में विरोध के सारे हथियार चुक जाएंगे, तब भी कायम रहेगा हमारा आत्मविश्वास और हमारी आत्मनिर्भरता। मनबोध बाबू, तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहूँ। कठिन रात और कठिन राह ऐसे ही बीतती है। दोस्तों, आइए हम कुछ आपसे कहें, मैं तुमसे कुछ कहूँ, तुम मुझसे कुछ कहो, और इस कठिन दौर में हम एक दूसरे से संवाद करें। धन्यवाद, शुक्रिया आर्ट ऑन क्लिक, शुक्रिया सीधी परिवार, शुक्रिया नीरज कुंदेर सीधी और शिवा कुंदेर और नौजवान साथियों, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अपना अब चीयर्स करते हैं, 8 बज गए।